हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड, चैप्टर नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स। चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में ऑप्शन डी तक लर्न किया था, हाउ मेनी इन ऑल। आज आगे लर्न करेंगे ई, सम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। 8 3 ज़ा, चिल्ड्रन 8 3 ज़ा कितना होगा? 8 3 ज़ा 24। 3 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल्स टू ब्लैंक, यहाँ पर 3 का कोई भी मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर लिख सकते हो। 3 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 4 ज़ा, 3 4 ज़ा 12। आफ्टर दैट ब्लैंक मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल्स टू 42। अब ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं, वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा 42। चिल्ड्रन, आपको ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें 42 आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल 6 7 ज़ा 42, या तो फिर आप 7 6 ज़ा 42 लिख सकते हो, या तो फिर 14 3 ज़ा 42 लिख सकते हो, 21 2 ज़ा 42 लिख सकते हो। 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल्स टू ब्लैंक, यहाँ पर ऐसे ही जगह दी है। अब 5 का कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे 5 6 ज़ा 30, ब्लैंक मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल्स टू ब्लैंक, यहाँ पर कोई भी नंबर है उसका कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल्स टू 35। चिल्ड्रन यह देखना है 5 के टेबल में 35 कहाँ पर आता है, 5 7 ज़ा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 7। नेक्स्ट ब्लैंक मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 36, यानी कि 6 के टेबल में 36 कहाँ पर आता है, 6 6 ज़ा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 6 6 6 ज़ा 36। 10 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल्स टू ब्लैंक, यहाँ पर 10 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं करूँगी 4 का, 10 4 ज़ा, यहाँ पर आंसर लिखेंगे 40। नेक्स्ट ब्लैंक मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 30, 36। 9 के टेबल में 36 कहाँ पर आता है, 9 4 ज़ा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इसको लर्न करेंगे 4 9 ज़ा 36। नेक्स्ट ब्लैंक मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 28। चिल्ड्रन 7 की टेबल में 28 कहाँ पर आता है, 4 ज़ा, 7 4 ज़ा 28। अब हम इसे लर्न करेंगे 4 7 ज़ा 28। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 1, 1 टाइम 1 इज 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 1 ज़ा 1। 2 टाइम्स 1 इज, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 ज़ा 2। 3 टाइम्स 1 इज, 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट 4 टाइम्स 1 इज, पहले लिखेंगे 4 4 टाइम्स 1, यानी कि 1 4 1 ज़ा 4। नेक्स्ट 1 2 3 4 आएगा 5, यहाँ पर लिखेंगे 5
फाइव टाइम्स वन इज, फाइव लिखेंगे और वन, यानी कि फाइव वन सा फाइव, आफ्टर द फाइव लिखेंगे यहाँ पर सिक्स, एस आई एक्स, सिक्स टाइम्स वन इज सिक्स, वन यानी कि मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे, सिक्स वन सा सिक्स। नेक्स्ट ब्लैंक टाइम्स वन इज दिया है, सिक्स के बाद आएगा सेवन, एस ई वी ई एन, सेवन टाइम्स वन इज सेवन, मल्टीप्लाई वन, सेवन वन सा सेवन। नेक्स्ट सेवन के बाद क्या आएगा चिल्ड्रन, एट, एट टाइम्स वन इज एट, मल्टीप्लाई वन, एट वन सा एट। थैंक यू।